हेलो दोस्तों, मैं मानवेंद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं नॉलेज हाउस में। और आशा करता हूं आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। अगर दोस्तों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आप हमारा कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार, नॉलेज हाउस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम टाइम एंड वर्क के सेकंड पार्ट की बात करेंगे। इससे पहले हमारा पहला पार्ट हमने देखा था, जिन लोगों ने वो पार्ट नहीं देखा है उसको जरूर देखें। आज इसमें हम कुछ अच्छे सवाल करेंगे, जैसे इफिशियंसी के बारे में, ठीक है। तो देखिए आज इनके अच्छे क्वेश्चन हैं और आज का जो वीडियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी पे अधिकतर क्वेश्चन बनाता है एसएससी या फिर बैंक, ठीक है। तो ये वीडियो को आप अच्छे से देखिए। तो शुरू करते हैं। ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड 30 डेज। दे बिगिन टू डू द वर्क टुगेदर बट ए लीव्स बिफोर सम डेज एंड बी कम्प्लीटेड द रिमेनिंग इन 10 डेज, ठीक है। कहा जा रहा है कि ए और बी जो थे वो किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 20 और 30 दिन में करते हैं। फिर उन्होंने क्या करा, एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन क्या होता है किसी कारण से ए क्या करता है, कुछ दिन बाद क्या करता है, वो जॉब छोड़ देता है या फिर वो वर्क छोड़ देता है। तो वो देन बी कम्प्लीटेड द रिमेनिंग वर्क, बाकी जो वर्क है उसको कौन करता है, बी कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ए और बी पहले एक साथ काम कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ कुछ दिन बाद ए ने छोड़ दिया। इसके बाद बाकी जो सारा काम था बी ने कितने दिन में किया है, 10 दिन में किया है। तो ये हमसे ये कहना चाहता है। अब हो रहा है कि टोटल नंबर ऑफ डेज आफ्टर विच ए लेफ्ट द वर्क, यानी कहना ये चाह रहा है कि एक ने कितने दिन बाद अपना काम छोड़ा था, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या है, ए 20 दिन में काम करता है, बी 30 दिन में करता है, दोनों का हमने एलसीएम लिया, कितना आया 60। तो एक दिन का जो काम है ए का वो है 3 यूनिट और बी का काम है 2 यूनिट। अब बोल रहा है कि जो ए के छोड़ देने के बाद बी ने क्या रिमेनिंग वर्क कितने दिन में कंप्लीट किया था, 10 दिन में किया था। तो बी का 10 दिन का वर्क कितना हो गया, 20 हो गया। हमने 20 को 60 में से माइनस कर दिया, टोटल वर्क कितना बचा, 40। अब उस टोटल वर्क 40 को ही ए प्लस बी ने किया होगा साथ में मिलके, ठीक है। ए और बी ने उसको साथ में मिलके किया होगा, तो 40 ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 और 2 कितना हो गया, 5। एक दिन का काम कितना हो गया दोनों का, 5। 40 में उनको 5 से डिवाइड किया, कितने दिन हो गए, 8 दिन। यानी 8 दिन बाद ए ने अपना काम छोड़ दिया था। देखिए एक बार और देखिए इसको कैसे करेंगे। पहले हमको जो नॉर्मल थिंग है, ए 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, तो दोनों का एलसीएम हमारे का आ गया 60 है। 60 क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क हो गया हमारे पास, क्या हो गया 60 हो गया। तो एक दिन का काम क्या होगा, ए का 3 और बी का कितना होगा, 2 होगा। अब क्वेश्चन में बताया गया है कि ए के छोड़ने के बाद बी ने जो रिमेनिंग वर्क था वो उसने 10 दिन में कंप्लीट किया है, ठीक है। तो बी का जो 10 दिन का काम है हमारे पास, पहले क्या कर रहे थे वो ए और बी एक साथ कर रहे थे, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या है, बी ए छोड़ के चला गया और तो बी ने रिमेनिंग जो भी काम था वो 10 दिन में किया है, ठीक है। तो बी का 10 दिन का काम कितना होगा, एक दिन का काम बी का 2 है, 10 दिन का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, बी का 20 दिन हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम 60 में से 20 माइनस कर देंगे, टोटल वर्क में से अगर हमने बी का वर्क माइनस कर दिया 10 दिन का, तो टोटल कितना वर्क बढ़ेगा, 40। उस 40 वर्कों को ए और बी ने क्या किया था, एक साथ मिलके किया था, दोनों एक साथ मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 यूनिट। तो 40 को हमने 5 से डिवाइड किया, कितना आ गया, 8 डेज। यानी जो ए है वो क्या करता है, किसी उस काम को 8 दिन बाद छोड़ के चला जाता है, ठीक है। दोस्तों सिंपल से कहे, सिंपल सा आपको ये लॉजिक याद रखना है, इस लॉजिक को अगर आपने याद रखा तो सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा कि काम शुरू होने के बाद छोड़ के जाता है, अगर काम शुरू होने से पहले छोड़ के जाए तो कैसे क्वेश्चन होगा, देखिए इस क्वेश्चन को। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज एंड बी इन 20 डेज। दे बिगिन टुगेदर बट ए लीव्स 2 डेज बिफोर द कम्प्लीशन ऑफ द वर्क, द वुल वर्क विल बी डन इन। इसमें पहले वाले क्वेश्चन में क्या कहा था कि काम शुरू होने के बाद चला जाता है, लेकिन इसमें क्या है, काम खत्म होने से पहले चला जाता है, ठीक है, काम शुरू होने से पहले चला जाता है और ये काम खत्म होने से पहले जा रहा है। तो ए और बी क्या कर रहे हैं, 10 दिन में ए कर रहा है और बी कर रहा है 20 डेज में, ठीक है, दोनों साथ में कर रहा है। ए कब छोड़ता है, काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ के चला जाता है, ठीक है। तो फिर से हम वही हमारा जो ट्रिक है, एक 10 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है, तो टोटल एलसीएम कितना आ गया, 20। एक दिन का ए का काम कितना है, 2 यूनिट और बी का काम कितना है, 1 यूनिट, ठीक है, यह आ गया हमारे पास। उसके बाद हमसे कहा है कि
ये क्या करता है, 2 दिन बाद, 2 दिन पहले छोड़ के चला जाता है। तो 2 दिन पहले छोड़ के चला जाता है ए, तो यानी ए प्लस बी मिलके काम कर रहे थे, ए चला गया, अब बी क्या कर रहा है, बी क्या कर रहा है, उस जो ए छोड़ के गया है उसका 2 दिन का काम भी बी करेगा। काम शुरू ख़त्म होने से 2 दिन पहले वो चला गया है, तो उस 2 दिन का काम कौन करेगा, बी करेगा 2 दिन का काम। तो बी का 1 दिन का काम कितना है, 2 मिनट, तो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 2 मिनट। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, 20 में से टोटल वर्क में से हमने क्या करा, 18 माइनस कर दिया, तो टोटल अब कितना टाइम काम बचा, वो काम बचा जो ए और बी में मिलके साथ में किया है। ए और बी में मिलके 1 दिन का काम कितना है, 3 यूनिट, तो 18 को हमने 3 से डिवाइड, कितना है, 6 यूनिट आ गया। अब उनसे पूछा है कि टोटल वर्क, ठीक है, ए और बी मिलके तो 6 दिन किया था, लेकिन ए के जाने के बाद 2 दिन और काम किया उन्होंने, तो टोटल वर्क कितना हो गया हमारे पास, 8 यूनिट हमारा टोटल वर्क हो गया। ठीक है, एक बार और देखिए इसको, ये ए 10 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 20 आ गया, ये टोटल क्या आ गया, पूरा वर्क हो गया, ये टोटल हमारा पूरा वर्क हो गया। उसके बाद ए का 1 दिन का काम, ये 2 कैसे आया, 20 को हमने 10 से डिवाइड किया तब जाके 2 आया, यानी ये क्या कर रहा है, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, 10 दिन में कितना कर रहा है, 20, ठीक है, तो 1 घंटे 1 दिन में कितना करेगा, 2 यूनिट, ठीक है, तो ये ऐसे आया है। ठीक है, बी का 1 यूनिट आया। उसके बाद हमसे कहा गया है कि बी किसी काम को 2 दिन पहले छोड़ के चला जाता है, तो 2 दिन पहले छोड़ के चला जाता है, तो 2 दिन का काम कौन करेगा, बी करेगा, तो बी का 2 दिन का काम कितना है, 2 यूनिट, टोटल यूनिट कितने थे हमारे पास, 20, और 2 यूनिट बी करता है, तो टोटल कितना बचा, 18 यूनिट। अब इस 18 यूनिट को ए और बी, और बी ने जो ए को छोड़ के जाने से पहले साथ में कर रहे थे, तो ए और बी साथ में कितना करते हैं 1 दिन में, 3 यूनिट। अब 18 को 3 से डिवाइड किया तो 6 डेज आ गया, 6 डेज आ गया, तो 6 डेज क्या आया, जो ए और बी ने मिलके काम किया था जितने दिन, ठीक है, लेकिन क्या है कि 2 दिन पहले चला जाता है, तो 2 दिन को और जोड़ेंगे हम, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 दिन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सिंपल से क्वेश्चन है, आराम से होंगे आपसे, बस कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन हमारा, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट ए वर्क सेपरेटली इन 24, 36 एंड 48 डेज रेस्पेक्टिवली, दे स्टार्टेड टुगेदर बट सी लेफ्ट आफ्टर 4 डेज ऑफ स्टार्ट एंड ए लेफ्ट 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें दोनों चीज आएगी कि वर्क पहले छोड़ के जाना और काम खत्म होने के से पहले छोड़ के जाना, यानी काम शुरू होने से पहले, काम शुरू होने के बाद छोड़ के जाना और काम खत्म होने से पहले छोड़ के जाना, दोनों चीज़ें यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हम कैसे निकालेंगे, देखिए, ए का 1 दिन का काम 24 है, बी 36 है, और सी का 48 है, तीनों का एलसीएम लिया कितना है, 144, तो तीनों का 1-1 दिन का काम कितना हो जाएगा, ए का काम हो जाएगा हमारे पास 4-6, बी का हो जाएगा हमारे पास 4, और सी का हो जाएगा कितना, 3-3 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। उसके बाद हमसे कहा है कि जो सी है, सी कब लेफ्ट करता है, 4 दिन बाद छोड़ के चला जाता है, वो तीनों एक साथ काम करते हैं, लेकिन सी क्या करता है, 4 दिन बाद छोड़ के चला जाता है, लेकिन उन चार दिनों में ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने मिलके काम किया था, तो तीनों अगर मिलके काम किया था कितने दिन तक, 4 दिन तक दोनों तीनों ने मिलके काम किया है, तो इनके 3 दिनों का क्या है, वो तीनों 1 दिन में कितना काम करते हैं, 13 यूनिट, ठीक है, 4 दिन में कितना कर देंगे, 52 यूनिट, तो टोटल काम कितना हो जाएगा इनका, 4 दिन में 52 यूनिट का काम इनका हो जाएगा। ठीक है, 52 दिन का 52 यूनिट काम हो गया इनका। ठीक है, अब 144 में हमने 52 माइनस कर दिया, कितना बचा हमारे पास, 92 काम बचा। उसके बाद हमसे कहा गया है कि जो उसके बाद हमसे कहा गया कि जो ए है, ए क्या करता है 3 दिन पहले काम पूरा होने के 3 दिन पहले चला जाता है। ठीक है, तो सी तो पहले चला गया है हमारे पास, उसके बाद काम खत्म होने से 3 दिन पहले ए भी चला गया है, अब बचा कौन, बी, तो उस 3 दिन में कौन काम करेगा, बी करेगा, 3 दिन का बी का 1 दिन का काम कितना है, 4, तो 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, 12, ठीक है, 12 हो जाएगा 3 दिन का काम, तो 3 दिन के 92 में से हमने 12 माइनस किया, कितना बचा, 80 बच गया। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, अब हमारे पास वो चीज़ें बची है जो सी के जाने से पहले, इसका मतलब जो ए सी चला गया, ठीक है, 4 दिन बाद सी चला गया, उस 4 दिन से ए तक के जाने का कौन कौन काम करेगा, ए प्लस बी काम करेंगे, बाकी बचे हुए काम को 80 है काम, ए का 1 दिन का काम 6 है और बी का 1 दिन का काम 4 है, तो 6 + 4 कितना हो गया, 6 + 4 कितना हो गया हमारे पास, 10, और 80/10 यानी 8 डेज, यानी ए और बी मिलकर कितना काम करेंगे, 8 दिन में काम पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो ए और बी ने मिलकर 8 दिन में काम किया, उससे पहले उन चार चार दिन तीनों ने मिलकर काम किया था,
और लास्ट के जो 3 दिन थे उसमें ओनली बी ने काम किया था, तो टोटल कितने दिन हो गए? 15 दिन टोटल हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार वो देखिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि ए प्लस बी प्लस जो सी है, मतलब तीनों का एक दिन का काम कितना है? एक दिन में 13 यूनिट काम कर लेते हैं। ठीक है, हमसे कहा गया है कि जो 4 दिन बाद सी काम छोड़ के चला गया, 4 दिन बाद सी काम छोड़ के चला गया, तो 4 दिन का काम क्या है? 52 यूनिट। 52 यूनिट उन चारों ने, तीनों ने मिलकर काम किया है। अब टोटल काम कितना बचा? 92। अब कह रहा है कि 3 दिन पहले ए भी छोड़ के चला जाता है, अब बचा कौन? ओनली बी बचा है। बी बचा है तो बी का 3 दिन का काम कितना है? 12। तो हमने 92 में से ही 12 माइनस किया, टोटल कितना बच गया हमारे पास? 80। अभी 80 काम को कौन कर रहा है भाई? 80 तो पहले चला गया था उसके, और उसके बाद काम शुरू होने के बाद, काम शुरू खत्म होने से पहले ए भी चला गया है, तो बीच में किसने काम किया था? बीच में ए प्लस बी ने काम किया था। ठीक है, तो ये 80 काम कौन करेगा? ए प्लस बी। ए प्लस बी का क्या है? 6 और 4 कितना हो गया? 10। एक दिन का काम कितना है? 10। 80 बटा 10 बराबर कितना हो गया? 8 दिन हो गया। तो टोटल डेज कितना हो गया? 843 बराबर 15 डेज। उस पूरे काम होने में 15 डेज लगेंगे। ठीक है दोस्तों, एक बार और देखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन जो यहाँ से शुरू है वो इफिशियंसी के क्वेश्चन शुरू हुए, ये इफिशियंसी के क्वेश्चन हमारे शुरू हुए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एक अच्छे से ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको, इस मेथड को अगर आप याद रखोगे तो सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे आपसे। ठीक है, क्या कहने वाला है क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है बी इज 60% मोर इफिशियंट देन ए। ठीक है, बी इज 60% मोर इफिशियंट देन ए। हाउ मच टाइम विल टेक बी टू कम्प्लीट द वर्क इफ ए डन दिस वर्क इन 12 डेज। कह रहा है कि जो ए है 60% मोर इफिशियंट, बी जो है 60% मोर इफिशियंसी है, यानी अगर ए की इफिशियंसी हमारे पास 100% है तो बी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी? 160, क्योंकि 60% मोर इफिशियंसी है ना। ठीक है, तो ए हमारे पास कितना था? 100, तो बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगी? 160 हो जाएगी। ठीक है, तो बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 160। अब वो ए और बी का रेशियो क्या आ गया इफिशियंसी में? 5:8। ठीक है, अब एक बात हमसे याद रखना, जो इफिशियंसी होता है टाइम का एकदम रेसिप्रोकल होता है, इसका मतलब ओपोजिट होता है। इसका मतलब ये है कि अगर इफिशियंसी ए की 5 है, ठीक है, तो टाइम कितना हो जाएगा? 8, मतलब इनका रेशियो, अगर ए और बी का रेशियो इफिशियंसी का 5:8 है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 8:5 हो जाएगा टाइम का रेशियो। ये बस बात हमको इतनी सी बात याद करनी है कि अगर इफिशियंसी अगर किसी के 5 और 8 दे रखी है तो उसका टाइम कितना हो जाएगा? 8:5, यानी बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। जैसे ए की इफिशियंसी यहाँ पर 5 है और बी की इफिशियंसी 8 है, तो अब क्या हो जाएगा? टाइम ए की 8 हो जाएगा और बी ए का क्या हो जाएगा? बी का क्या हो जाएगा? 5 टाइम हो जाएगा। यानी ये रेशियो में कि अगर ए और बी का जो रेशियो अगर 5:8 है काई में, ये इफिशियंसी में, तो उनका टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? टाइम का रेशियो का हो जाएगा 8:5। ठीक है, 8:5 इनका टाइम का रेशियो हो जाएगा, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, अब कह रहा है कि ए डन दिस वर्क इन 12 डेज। ठीक है, ए का रेशियो कितना है हमारे पास? 8। 8:5 कितने के बराबर है? 12 के बराबर है, 12 दिन के बराबर है, तो एक का कितना हो जाएगा? 12/8, जिसको हम लिख सकते हैं 3/2। ठीक है, अब 5 बराबर कितना होगा? बी का बताना है हमको, बी का कितना है? 5:5 है, 5:5 क्या हो जाएगा? 3/2 × 5, यानी 15/2। 15/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 7.5 दिन, यानी बी उस काम को कितने दिन में करेगा? 7.5 दिन में करेगा। ठीक है, बस ये बात हमको याद रखनी है कि अगर किसी की इफिशियंसी, जैसे ए और बी की इफिशियंसी है, ये इफिशियंसी में लिख देता हूँ, इफिशियंसी अगर ए और बी की 2:3 है तो उनका जो टाइम का रेशियो आएगा वो 3:2 हो जाएगा। बस इतनी सी आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ए इज थ्राइज एज गुड एज बी इन वर्क, ए इज एबल टू फिनिश ए जॉब इन 60 डेज लेस देन बी। ठीक है, देर कैन फिनिश द वर्क इन 10 डेज। कहने वाला ये है कि ए की जो इफिशियंसी है, जो थ्राइस है, मतलब कहना ये चाह रहा है कि ए किसी काम को 3 गुना अच्छा कर सकता है, किससे? बी से अच्छा कर सकता है। मतलब ए की अगर बी किसी काम को, बी की किसी का एक दिन के काम 3 है, ठीक है, तो ए क्या करता है? उस एक दिन में 3 काम कर लेगा। मतलब बी अगर एक दिन में 1 काम करता है तो ए क्या करेगा? उस काम को, मतलब वो काम 3 करेगा। ठीक है, तो इफिशियंसी क्या होगी? ए की 3 होगी और बी की 1 होगी, तो उनका टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:3। मैंने कहा था ना कि अगर
किसी की एफिशिएंसी अगर तीन तीन रेशियो एक दे रखी है तो उसका टाइम का रेशियो 1:3 हो जाएगा। तो टाइम का रेशियो दे रखा है 1:3। अब क्या बोल रहा है कि ए जो है एबल टू फिनिश इन 60 डेज लेस, तो टाइम क्या है एक का रेशियो और तीन का रेशियो क्या है, मतलब दोनों के रेशियो में दो का अंतर है। इस दो की वैल्यू किसके बराबर है, 60 के बराबर है। एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। ठीक है, अब बोल रहा है कि तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे। ठीक है, एक ही रेशियो होगी हमारे पास 30 होगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 30 होगी। यानी ए की जो वैल्यू हो जाएगी 30 हो जाएगी और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 × 30 बराबर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारे पास, 90 हो गया। ठीक है, टोटल वर्क हो गया 90 हो गया। और हमारे पास इफिशेंसी क्या है, इफिशेंसी है 3+1 यानी 4। यानी टोटल काम कितने दिन में करेगा, 22.5 दिन में उस काम को पूरा कर लेगा। देखो करना है, बस कुछ नहीं है कि वो बोल रहा है कि ए किसी काम को 3 गुना अच्छे से कर सकता है। इसका मतलब ये है कि ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की एफिशिएंसी 1 है। ठीक है, तो वहाँ जब टाइम की बात आती है, टाइम में क्या होता है, एक जो ए की एफिशिएंसी 1 हो जाएगी और बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब जो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट, लेकिन उनका उसकी वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 60 की वैल्यू के बराबर दे रखी है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू अगर 30 आ गई तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19 आ जाएगी। यानी ए किसी काम को 30 दिन में करेगा तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा, 90 दिन में करेगा। हमने उसका एलसीएम निकाला, टोटल वर्क कितना हो गया, 90 हो गया। उसके बाद हमारे पास एफिशिएंसी पहले से पड़ी है, 3+1 = 4, कितना हो जाएगा, 22.5 दिन में उस काम को पूरा कर लेगा। ठीक है दोस्तों, आसान से क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन और देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, ए इज ट्वाइस एज गुड एज बी, टुगेदर दे कम्प्लीट ए वर्क इन 12 डेज, हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन फिनिश द वर्क। ठीक है, ए इज ट्वाइस एज गुड एज बी, मतलब ए की एफिशिएंसी क्या है, 2 है, और बी की एफिशिएंसी क्या है, ठीक है, 1 है। यानी ए क्या करेगा, एक दिन में 2 काम कर लेगा और बी क्या करेगा, एक दिन में 1 ही काम कर पाएगा। तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 3, मतलब दोनों के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसने कहा है कि दोनों मिलकर 12 दिन में काम करते हैं, दोनों मिलकर 12 दिन में काम करते हैं, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, वर्क बराबर कितना हो जाएगा, टाइम इंटू इफिशियंसी का जब हम गुणा करते हैं तो टोटल वर्क आ जाता है। टाइम कितना दे रखा है, दोनों का 12 दे रखा है, इफिशियंसी कितनी है, दोनों की मिला के 3 है, तो टोटल वर्क कितना गया, 36 आ गया। टोटल वर्क आ गया हमारे पास 36। अब हमको क्या निकालना है, हमको क्या निकालना है, टोटल वर्क 36 आ गया, हमको निकालना है बी अलोन कितने में फिनिश करेगा। तो बी का एक दिन का काम कितना है, 1, तो 36 काम को एक दिन का काम 1 करेगा, तो 36 काम कितने दिन में करेगा, 36 दिन में कर लेगा। बस यहाँ एक बात याद रखनी कि जो है जो टोटल वर्क आता है हमारा टाइम इंटू एफिशिएंसी के बराबर आता है, ये बात बस हमको याद रखनी है कि अगर टोटल वर्क हमको निकालना है तो टाइम में एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वर्क हमारा आ जाएगा, इसका आंसर हमारा 36 आ जाएगा। तो दोस्तों बहुत अच्छी वीडियो थी, इस वीडियो को देखें और उसको क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, और जिन्होंने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।